हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये बहुत ही सबको पसंद आती है, और ये अपना अपना सबका तरीका होता है बनाने का। तो आज मैं अपने तरीके से बनाई हूँ, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है कटहल। कटहल को मैंने छील के अच्छे से उसको कट कर लिया है। आप ध्यान से कट कीजिएगा, ये थोड़ा कड़ा होता है, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और मैंने चढ़ा दिए कढ़ाई। सबसे पहले मैंने कटहल को तला था और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हल्का सा रेड होने तक फ्राई करना है हमें, कुछ इस तरीके से, देख लीजिए। तो ये हो चुका है, फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। वैसे मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, प्रेशर कुकर में, तो आप चाहे तो कुकर में भी इसको भून सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया है और इसमें डाल दिया तेज पत्ता, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च डाला है मैंने, और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है खड़ा, और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही लें, और इसी से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालें, और हमें इसको भून लेना है, प्याज को भी भून लेना है। यहाँ पे मैंने बना लिया है पेस्ट, अदरक लहसुन और थोड़ा सा मैंने प्याज डाला था इसमें, और थोड़ा खड़ा गरम मसाला है, बड़ी वाली इलायची, दालचीनी, और इसमें मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मेरी प्याज भून चुकी है, तो अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा था, अब मैं उसको डाल के 2 मिनट तक इसको भी भून लूँगी। डाल देती हूँ और इसको भून लेना है। तो पेस्ट हमारा भून चुका है अच्छे से, और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले 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 डाल देंगे। मैंने मसाला अलग से, जीरा, काली मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, ये मैं पैकेट का मसाला ली हूँ, इसमें सब कुछ मिक्स रहता है, तो मैं थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ही डालूँगी। 1 से 1.5 चम्मच मसाला डाल रही हूँ, और हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से भूनने के लिए पानी थोड़ा सा डाल देंगे और भून लेंगे इसे अच्छे से। मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक कि मसाला और तेल अलग ना हो जाए। तो भून लेते हैं। मैंने यहाँ पे खड़ा लहसुन डाला है और उसको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है, वैसे ही डाल दिया है। इसको आप एक बार ऐसे बनाइएगा डाल के, ये लहसुन इतना टेस्टी लगता है ना खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मुझे पसंद है, तो मैंने डाला है यहाँ पे। और देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है और तेल अलग हो चुका है। तो अब डाल देंगे इसमें जो मैंने फ्राई करके कटहल रखा था, उसको भी डाल देंगे और 2 मिनट उसको भी भून लेंगे। और यहाँ पे सारा डाल देते हैं और इसको चला के गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर लीजिए, और 2 मिनट तक ढक के भून लीजिए ताकि मसाला भी हमारा कटहल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और इसको चला के ढक दीजिए। आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाइए, बहुत ही टेस्टी होती है। इसके आगे तो नॉनवेज भी नहीं अच्छा लगता, ये बहुत ही, सच में बहुत ही टेस्टी होती है। और हमारा अच्छे से सब कुछ भून चुका है, तो अब हम डाल देंगे इसमें पानी। आपको पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, आप अपने अनुसार पानी डालिए। और यहाँ पे पानी डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, मैंने पानी डाल दिया है। और आप चाहे तो बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और अब हमें 4 सीटी लगानी है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए सीटी आ चुकी है, अब गैस ऑफ कर दिया है मैंने, और ये देखिए हमारी सब्जी, कटहल की सब्जी बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये कितना टेस्टी दिख रहा है, और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कटहल बिल्कुल
गल चुका है, मतलब बिल्कुल हो चुका है, सॉफ्ट हो गया एकदम। तो आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।